जहाद क्या है? जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करना, अपनी बेहतरी के लिए एक माशरा करता है। अल्लाह को आप कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते। मुझे कहते इमरान साहब आप किधर पड़ गए, आप सोशल वर्क अच्छा भला कर रहे थे। सोशल वर्क तो मैं अपनी आखिरत के लिए करता हूँ, सोशल वर्क से तो मुल्क कभी तब्दील नहीं होता, चेंज पॉलिटिकल आता है। ये समझना कि हम चुप करके बैठे रहेंगे और कोई शॉर्टकट है कि हम एकदम उठेंगे तो चेंज आ जाएगा, ऐसे तो चेंज नहीं आता। आप सबको पॉलिटिकल होना पड़ेगा। मैं जब जाऊं? नहीं जी, मैं सियासत में नहीं, मैं गैर सियासी हूं। गैर सियासी तो जानवर होते हैं। आपने नेशनल ज्योग्राफिक या एनिमल प्लैनेट देखा होगा, हजारों हिरन खड़े होते हैं, एक कमजोर सा चीता जाके पकड़ लेता है हिरन को, सारे बाकी गैर सियासी अपनी जान बचा के भाग रहे होते हैं। अगर उनमें से 10 भी खड़े होकर चीता पे हमला करें वो भाग जाए, लेकिन वो सारे गैर सियासी होते हैं। ये कि आपके मुल्क में जुल्म और नाइंसाफी हो रही हो, गरीब बेचारा मर रहा हो, खुदकुशियां कर रहे हो लोग, ऊपर आपके सारे मुजरिम हुकूमत कर रहे हो, हम जी गैर सियासी। एरिस्टोटल ने 2500 साल पहले कहा, उसने कहा अगर माशरे में जुल्म और नाइंसाफी होगी हर शहरी सियासत में हिस्सा लेगा। फिर उसने क्वालिफाई किया, स्वाय दो तबकों के, एक बुजदिल और दूसरा खुदगर्ज। ये दो चीजें हैं जो माशरे को गुलाम बनाती है। बाकी पॉलिटिशियंस की तरह मैंने तो कोई पॉलिटिक्स में कुछ जाके कोई करियर नहीं बनाना, हम तो कुर्बानी दे के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मेरे लिए तो अल्लाह ने जिंदगी बड़ी आसान की हुई है, मैं तो कुछ भी ना करूं तो आराम से जिंदगी गुजार सकूं। लेकिन हम पॉलिटिक्स में इसलिए हैं, अगर अपने मुल्क को बचाना है तो उसकी जान लड़नी है। अगर हम नहीं करेंगे कौन करेगा?